लड़कियों को देखकर नर्वस होने से कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ऐसा कहते लोगों को आपने सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बिहार के एक ऐसे अजीब और गरीब मामले को बताने जा रहे हैं जिसे जानकर हर कोई हैरान है। मामला है बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम का, जहां परीक्षा के पहले दिन बुधवार को एक युवक परीक्षा केंद्र में बेहोश हो गया। किशोर के बेहोश होने का कारण बड़ा ही हैरान करने वाला है। दरअसल किशोर जिस कमरे में परीक्षा देने के लिए बैठा था, वहां केवल वही अकेला लड़का था। पूरी कक्षा में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां परीक्षा दे रही थीं। परीक्षा केंद्र में 500 लड़कियों को देखकर किशोर खुद को अकेला पाकर घबरा गया और बेहोश हो गया। आनन फानन में किशोर को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसके बेहोश होने की वजह घबराहट बताई। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए ये बताते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने के लिए समिति ने कई तरह के नियम जारी किए हैं। वहीं बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ के मनीष नाम का छात्र ब्रिलियंट कॉन्वेंट स्कूल में परीक्षा देने पहुंचा था। ब्रिलियंट स्कूल का परीक्षा केंद्र सिर्फ छात्राओं के लिए ही निर्धारित था। मनीष के एडमिट कार्ड पर भी सेंटर का नाम यही लिखा था। मनीष जब परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्र पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं। पूरी कक्षा में इतनी लड़कियों के बीच खुद को अकेला पाकर मनीष घबरा उठा और बेहोश होकर वहीं गिर गया। मनीष ब्रिलियंट स्कूल परीक्षा केंद्र में गणित की परीक्षा देने के लिए गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के कारण वो परीक्षा नहीं दे पाया। स्कूल प्रशासन की ओर से छात्र को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में परिजनों को इसकी सूचना भी दी गई। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों से जब इस बारे में जवाब तलब किया गया तो जिले के शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फॉर्म भरने के दौरान गलती होने के कारण ऐसा हुआ है। एडमिट कार्ड में मनीष नाम को लेकर गड़बड़ी हुई, जिसके कारण मेल की जगह फीमेल हो गया और इसी वजह से इसे लड़कियों के सेंटर में भेज दिया गया। आपको बता दें कि मनीष का इस बार का गणित का एग्जाम नहीं हो पाया, जिसे वो अगले साल अब दे पाएगा। नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइफ, बिहार।